guess I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है सैमसंग का A03 कोर। अगर आपका ये वाला फ़ोन हैंग होकर चलता है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, मतलब हैंगिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आ गया हूँ। अगर फ़ोन हैंग होकर चलता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। लैगिंग की प्रॉब्लम आ रही है आपके इस फ़ोन में तो आपको उसको कैसे फिक्स कर पाएंगे यही बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इस फ़ोन में कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है जिनका आप यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी गेमिंग कर रहे हैं इस फ़ोन में, तो उनको बंद कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे बंद तो आपका ये फ़ोन हैंग होके ही चलेगा और लैग भी करेगा। पहले उसको बंद कर दीजिए। और आपको करना क्या है, आपका जो फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज होता है उसका आप 80% यूज़ करें, मतलब उसका 80% से अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो लैगिंग की प्रॉब्लम ये फ़ोन कर सकता है। तो 80% से ऊपर नहीं जाएं, उससे कम ही रहें। और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करना है, उसके बाद मैं आपको कुछ सेटिंग भी कराने वाला हूँ जिसके बाद आपका ये फ़ोन हैंग होकर नहीं चलेगा। तो उसके लिए अपनी फ़ोन की सेटिंग को ओपन कीजिए, यहाँ सिस्टम में जाइए, फिर आपको देखने को मिलेगा अबाउट फोन, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके आपको देखने को मिलेगा बुलेट नंबर, इस पर आपको 5 बार क्लिक करना है। 5 बार क्लिक करने के बाद आप, हो सकता है यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक वगैरह पूछे ये फ़ोन, तो आपको वो डाल देना है। इसके बाद आपका एक डेवलपर ऑप्शन होता है वो इनेबल हो जाएगा। बैक आएंगे फिर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है डेवलपर ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बहुत चीजों का ध्यान रखना है, मैं जो बताऊंगा आपको वही फॉलो करना है। उसके अलावा आप यहाँ से कुछ ज्यादा छेड़खानी नहीं करें क्योंकि फोन में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से स्क्रॉल कीजिए हल्के हल्के, फिर आपको नीचे की ओर जाना है, फिर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे विंडो एनिमेशन जो कि आपको यहाँ पे ऑफ करने हैं। तो देख सकते हैं विंडो एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, इन यहाँ पर क्लिक करके इनको ऑफ कर दिए, 3 एनिमेशन देखने को मिलेंगे, तीनों ही एनिमेशन आपको ऑफ करना है। इसको आपको फिर से स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके जब आप नीचे की ओर जाएंगे फिर आपको देखने को मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज, देख सकते हैं यहाँ देखने को मिल जाता है, इसको इनेबल करेंगे। जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पर क्लिक करके अभी आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट पे सेलेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, एलमोस्ट टू प्रोसेस पर क्लिक करना है, यहाँ पर 2 प्रोसेस देखने को मिलेंगे, एलमोस्ट 2 प्रोसेस, इस पर क्लिक करके रखना है। यहाँ पर सेलेक्टेंगे तो आपके एप्लीकेशन यहाँ पर सिर्फ 2 ही यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेस करेंगे। मान लीजिए आपका एक ये एप्लीकेशन आपने ओपन किया और एक आपने ये ओपन कर रखा है, तो 2 ही एप्लीकेशन काम करेंगे, अन्यथा आपके जितने भी यहाँ पर रिसेंट में रहेंगे एप्लीकेशन इधर वाले वो सभी बंद रहेंगे। तो इस टाइप से आपकी यहाँ पर सेटिंग हो जाती है। तो 2 एप्लीकेशन में कितनी रैम यूज़ कर सकते हैं आप, ये तो आपको पता ही है। तो इसके जरिए फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हैंगिंग या लैगिंग की वो फिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस फोन की लैगिंग प्रॉब्लम को अपने आप से आप फिक्स कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।